हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता श्रीवास्तव अर्जुन किचन ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ नई रेसिपी ढोकला, जो खाने में काफ़ी टेस्टी बनेगा। इसे हम बिना दही और बिना सिट्रिक एसिड का बनाएंगे। हमने एक कटोरी ले लिया है बेसन और हमने 4 चम्मच ले लिए हैं सूजी, बारीक वाले जो मीडियम साइज के चम्मच आते हैं उनसे ले लिए हैं। अब इसमें हम डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। इसमें 1 छोटा चम्मच हम नमक ऐड करते हैं और इसमें हम 1 छोटा चम्मच चीनी को ऐड करते हैं और इसमें हम कलर के लिए 2 पिंच ही ले लेते हैं हल्दी पाउडर, जिससे कलर बहुत अच्छा आएगा। और इसमें ले लेते हैं एक इनो, एक पैकेट। अगर आपके पास इनो नहीं है तो आप जो है खाने वाला सोडा भी यूज कर सकती हैं, लेकिन देखिएगा सोडा एक्सपायरी ना हो, या बेकिंग पाउडर। अगर वो एक्सपायरी होता है तो आपके जो है ढोकले जो है जालीदार नहीं बनते हैं। अब इन सबको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। इसमें 1 चम्मच हम ले लेंगे नींबू का रस और इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे जिस कटोरी से हमने लिया था बेसन, उसी कटोरी से इसमें पानी ऐड करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छे से फेंट लेंगे ताकि इसमें एक भी लम्स ना पड़े। अब इसमें हम 1 कटोरी पानी को ऐड कर दिए हैं और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और कढ़ाई में हमने पानी को गर्म कर रहे हैं स्टीम होने के लिए। पानी भी हमारे अच्छे खासे गर्म हो गए हैं। अब इसको हम डालेंगे, एक केन टेन ले लिए हैं, उसमें हमने ऑयल को अच्छे से ग्रीस कर लिया है और इस बैटर को हमने तैयार कर लिया है। इसमें हमें लगभग 1 कटोरी और 4 चम्मच पानी हमने यूज किया है। ये बहुत ही अच्छा हमारा बैटर तैयार हो गया है, हमें इसी तरह चाहिए ढोकले के लिए। अब हम अपने केक टेन में इस बैटर को डालते हैं। अब इसको हम इसमें डाल करके और उसको लीड से ढक देते हैं। लीड से इसको हम ढक देते हैं। जो इसके जो होल है इसे हमने आटे से बंद कर दिया है ताकि हमारे ढोकले अच्छे से स्टीम हो जाए। और इसको हमें 15 मिनट तक स्टीम करना है। चेक कर लेते हैं कि हमारे ढोकले बने हैं कि नहीं। अभी एक नाइफ की हेल्प से हम चेक कर ले रहे हैं, ये क्लीन निकल गया है, यानी हमारे ढोकले परफेक्ट बन गए हैं। अब मैं इसके तड़के की तैयारी करती हूँ। तड़के के लिए हमने ऑयल को गर्म कर लिए हैं। अब गैस को थोड़ा हम लो कर देंगे ताकि हमारे जो भी तेल हैं वो ठंडे हो जाएं। अब इसमें हम डालते हैं राई और इसको राई हमारी अच्छे से चटक जाए। गैस को हमने ऑफ कर दिया है। अब तेल हमारे ठंडे हो गए हैं। इसमें हम डाल लें हरी मिर्च और इसमें हम डालेंगे कड़ी पत्ते जिसे हमने धुल लिए हैं। गैस को कर दी हूँ ऑन। अब इसमें हम डालेंगे 1 कटोरी पानी। अब इसको एक बॉयल आने तक इसको हमें पकाना है। इसमें हम डालेंगे एक छोटा चम्मच का हमने आधा इसमें नमक डाले हैं। नमक हमें कम ही इसमें ऐड करना है। और इसमें हम डाल लेते हैं चीनी छोटे चम्मच से, आधा छोटे चम्मच। और इनको एक से दो बॉयल आने तक हम इसे पका लेते हैं। और इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच नींबू का रस, जिससे इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। ठंडे हो गए हैं। अब इसको हम करते हैं डीमोल्ड। इस पर रख देते हैं हम एक प्लेट और इसको अच्छे से हम प्लेट को टैप कर देते हैं। और ये देखिए मेरा सॉफ्ट और बिल्कुल स्पंजी ढोकला बन के तैयार हो गया है। और इसकी जो हमने बना रही है तड़के, वो भी अच्छे से पक गए हैं। और ये भी हमारा एक बॉयल दो बॉयल आ गया है। अब इसको भी बंद करती हूँ और चलती हूँ सर्व करने की प्रोसेस की ओर। फ्रेंड्स, देखिए हमारे ढोकले बिल्कुल स्पंजी और बिल्कुल जालीदार बन के तैयार हो गए हैं। अब बनाना बहुत ही आसान है। इसको हम आपको कट करके दिखाते हैं। इसको साइड से हम इसको हम कट कर दे रहे हैं और देखिए कितना सॉफ्ट है और बहुत इजीली हमारा ढोकला कट जा रहा है।
इसको देखिए, एक एक इसकी जाली देखिए और कितना ये सॉफ्ट है। इसे भी आप देखिए। अब इनको हम कट कर दे रहे हैं छोटे छोटे पीसेस में। अब इसमें जो इसके हम तड़के बनाए हैं उसको हम इसमें ऐड करते हैं, और देखिए कितना ये अच्छे से इसके चाशनी को एब्जॉर्ब कर रहा है, सोख ले रहा है बिल्कुल। मेरा कितना झटपट बन के ढोकला तैयार हो गया, बहुत ही टेस्टी हमारा ढोकला बन के तैयार हुआ है फ्रेंड्स। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये रेसिपी आपकी ढोकला की कैसी लगी। अपनी फैमिली में ज़रूर बना खिलाएं, अपनों फ्रेंड्सों को खिलाएं और ज़्यादा से ज़्यादा इस रेसिपी को शेयर करें। जो मेरे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब करें ताकि जो भी मेरा लेटेस्ट वीडियो इजली आप तक पहुंचे। फिर मिलती हूँ मैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।